हेलो दोस्तों, मैं साहिल आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस ब्लॉग के अंदर। अभी तक जिसने भी मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग। और इस जो सेकंड ब्लॉग है, इसके अंदर आज हम डिस्कवर करेंगे दीवाने खास, जिसको खास महल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं दीवाने खास महल के अंदर क्या क्या खास है। इस महल को 1637 ईस्वी में बनवाया गया था। जो मुगल के बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने इसको बनवाया था। इस महल को सिर्फ संगमरमर से नहीं बनवाया गया था, इसके अंदर चांदी भी था और सोना भी था। अभी तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है सिर्फ एक मार्बल का ये महल बना हुआ है, पर जिस समय ये बनवाया गया था बादशाह द्वारा, तो जो भी इसके अंदर डिजाइनिंग की गई थी, नक्काशी की गई थी, उनके अंदर जो फूल पत्ते या कोई भी डिजाइन बनाया गया था, सब चांदी से था, सोने से था। और जो इसकी छत हुआ करती थी पहले के समय, वो चांदी से पूरा मढ़ा हुआ था। और इस महल के अंदर कलरों का भी यूज़ किया जाता था पहले के समय, पर अभी ना सोना है, ना चांदी है, ना ही कोई कलर है इस महल के अंदर। जो भी निकासी की जाती थी पहले के समय, उसके अंदर कलरों को भी फिल किया जाता था, जिससे ये एक कलरफुल महल दिखता था। शाहजहां अपने समय में इसको दरबान के रूप में यूज़ किया करते थे। लोगों का ये भी मानना है, जो भी शाहजहां से मिलने आया करते थे, उनको यहीं पे पहले रखा जाता था, एज अ गेस्ट रूम इसको यूज़ किया जाता था। अभी जो आप सामने ये पलंग देख रहे हैं, पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। इस नीचे के एरिए में जो भी राजा के मंत्री हुआ करते थे पहले के समय, वो बैठा करते थे। और इस पलंग को यहाँ ऊपर रखा जाता था पहले के समय, और राजा इस पलंग पे बैठा करता था। अभी आप जो भी एरिया देख रहे हैं इस महल के बाहर, यहाँ पे प्रजा खड़ी हुआ करती थी पहले के समय, क्योंकि महल के अंदर आने की अनुमति नहीं थी प्रजा को। सिर्फ इस महल के अंदर राजा के मंत्री और जो अमीर लोग हुआ करते थे, वही आया जाया करते थे। और जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इससे मंत्री आया जाया करते थे। ऊपर हम इस सीढ़ियों से जाएंगे, जो मंत्री हुआ करते थे उनके जो रूम है उनको मैं दिखाऊंगा आपको। अलग अलग राज्य से जो भी राजा से मिलने आया करते थे, उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर रूम बनाए गए हैं। और अभी आप जो ये गेट देख रहे हैं लोहे का, पहले के समय ऐसे लोहे के गेट नहीं हुआ करते थे, लकड़ के हुआ करते थे, या गेटों के ऊपर पर्दा हुआ करता था पहले के समय। हम जैसे सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, सामने बालकनी हमें ये नज़र आ रही है, और यहाँ पे सबके लिए लाइन से रूम बनाए गए हैं। राजा इसी गेट से जाता था, पहले ऐसे ग्रिल नहीं थी लोहे की, पहले यहाँ पर भी पर्दा हुआ करता था। और यहाँ से राजा जाता था, अपने पलंग पे बैठता था, प्रजा से बातें करता था। यहाँ पे आप रूम देखो, लाइन वाइज बनाए गए हैं, सबके लिए अलग अलग रूम है। यहाँ पे सभी गेटों पे यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, कोई भी गेट ओपन नहीं है। सामने आप जो देख रहे हैं, खांचे बने हुए डिजाइनिंग वाले, इनके अंदर सोना था, चांदी था और कलर थे पहले के समय, पर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यार एक भी गेट नहीं ओपन था, क्योंकि सरकार ने बंद कर रखा है। और यहाँ पे लोहे का गेट लगाया हुआ है सरकार ने, हम वहाँ पे नहीं देख सकते वहाँ पे क्या है। आई डोंट नो ये क्या था और क्या नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूछा था, किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या था। अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं अपने, यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है, ना ही यहाँ पे दूर दूर तक कोई गेट है। अगर आप सोच रहे हैं आगरा आने के लिए, तो आप तो मेरा यही मानना है, आप सुबह आना और शाम तक प्रॉपर घूमना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं। सामने आप देखो ये जो गुंबद बना हुआ है, यहाँ पे पहले सोना हुआ करता था पूरा अच्छे से। वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक सरप्राइज़ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मुसम्मन बुर्ज भी दिखेंगे। और सामने एक चीज़ है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगा। तो जब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।